पहला वीक है 14 तो लेके 20 अप्रैल तक जो टेम्परेचर है वो अपने थोड़े हायर साइड पर रहेंगे, अपने जो 42 डिग्री तक या 40 तो लेके 42 तक जो रहने हैगी है प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उस तो बाद जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं लग रही हैं, लेकिन जो लास्ट वीक है मई का मतलब मई 1 मई तो लैके 11 मई तक जो तापमान है बहुत सारे इलाकों में। सत श्रीकाल जी, तुम देख रहे हो पंजाब तक, तो मैं हाँ अभिषेक मैनरो। इस बार गर्मी जी है वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि हार्वेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, उसके नाल मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके कारण हुण जिहड़ी आम पब्लिक है आम लोग ने उन्हें बाहर जाना लगातार हुण मुश्किल सामना करना पै रहा है क्योंकि गर्मी जी है वो हुण वधनी शुरू हो चुकी है। साडे नाल इस वक्त मनमोहन सिंह जी ने डायरैक्टर ऑफ वैदर फोरकास्ट। मनमोहन जी, अगर इस बार की गल करिए गर्मी शुरू हो चुकी है, किन्ना इस बार का बदलाव होगा गर्मी के विच, की कुछ टैंपरेचर रहेगा? हाँ, इस बार जो आपने जिस तरह पिछले कुछ एक दिनों तो जोड़ा तापमान है वो वध्या होया है, इसका मेन कारण से कि जोड़ा अपने पिछले एक हफ्ते तो वैदर भी ड्राई चल रहा है, जिसकी वजह के नाल पंजाब के तापमान वधे। पिछले 24 घंटे में देखिए तो पंजाब के कुछ एक इलाकों में खास करके डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के तापमान जोड़े 40 डिग्री तो भी उपर रिकॉर्ड किए गए, तो अपना जो हुण अज भी टैंपरेचर जिहड़े हायर साइड ते रहणगे, अज भी जिहड़े कल दे मुकाबले अगर देखिए तो थोड़े स्लाइटली जिहड़े टैंपरेचर आ वो सामान्य तो ज़्यादा रह सकते हैं। उस तो बाद कल तो जिहड़ी है टैंपरेचर दे विच राहत रहेगी क्योंकि एक वैस्टर्न डिस्टर्बेंस जिहड़ी अप्रोच कर रही है, जिहदा अज रात तो जिहड़ा इफेक्ट नॉर्थ पंजाब दे विच हो सकता है। नॉर्थ पंजाब दे विच खास करके जिहड़े इलाके है पठानकोट है अपना अमृतसर गुरदासपुर का इलाका हुशियारपुर का इलाका, उत्थे अज रात में भी थंडर एक्टिविटी या लाइट बारिश होने के जिहड़े चांसिस है वो बन जाएंगे, तो नाल ही जिहड़ा कल तो WD का इफेक्ट है पंजाब के बहुत सारे इलाकों च रहेगा। कल और 18 तरीक 19 तरीक जी है असी ओरेंज कलर की वार्निंग भी दी हुई है, जिस दे विच थंडर एक्टिविटी के नाल कुछ एक इलाकों के तेज़ हवा चल सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है और नाल ही जी है लाइटनिंग होने की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस तो बाद 20-21 तरीक भी जो WD का इफेक्ट है वह रहेगा, लेकिन बहुत घट रहेगा, एक दो जगह पर ही जी बारिश हो सकती है, लेकिन येलो कलर की वार्निंग जी 20-21 भी रहेगी, जिद जी है थंडर एक्टिविटी लाइटनिंग जी है बिजली गड़ जी है कि चमक सकती है। सर, जिस तरह आप गल करते हैं हीट वेव की, तो ये शुरू हो चुकी है या फिर हीट वेव हाले आनी है क्योंकि लगातार गर्मी लगातार बढ़ रही है? हाँ, हीट वेव जड़िया कंडीशन है दो पिछले दो एक दो दिन तो कुछ एक जगह पर प्रिवेल कर रही हैं, जैसे कि टैंपरेचर जिते 40 डिग्री तो ज़्यादा चल रहा और तापमान जो 3-4 डिग्री तक नॉर्मल तो ज़्यादा चल रहा, उत्थे जी माइल्ड हीटवेव कंडीशन हैं वो प्रवेल कर रही हैं, लेकिन अज भी जड़िया कुछ एक जगह पर हीटवेव कंडीशन रह सकते हैं, लेकिन उस तो बाद जो अगले 5-6 दिन तक है हीटवेव कंडीशन पंजाब नहीं प्रवेल करनी। सर, इस बार हायर टैंपरेचर किन्ना होगा क्योंकि गर्मियाँ कह रहे हैं भी जिम्मे हार्वेस्टिंग हुई है, हालांकि कह रहे भी लगातार मौसम जो बदल रहा हर साल टैंपरेचर बढ़ रहा है, तो इस बार का टैंपरेचर हाइएस्ट किन्ना जा सकता है? हाँ, इस बार जिस तरह की फोरकास्ट दी गई सी MD की तरफों कि इस बार जो अपना अप्रैल तो लैके जून महीने तक जी गर्मी है वो रहेगी, लेकिन अप्रैल के महीने में जी गर्मी है वो घट रहेगी। तो इस तरह अगर असी कंपेयर भी करिए पिछले साल के मुकाबले तो अप्रैल के जो तापमान है 1-2 डिग्री जे इस बार अप्रैल में घट चल रहे राइट नाउ, तो आने वाले दिनों के भी जो ज़्यादा नहीं बदन की उम्मीद है, लेकिन मई और जून की जी फोरकास्ट है वो है कि जो हीट वेव कंडीशन है वो नॉर्मल या नॉर्मल तो ज़्यादा रह सकती है। तो जिस तरह के अपने दिता गया सी फोरकास्ट के जी अप्रैल के हीट वेव कंडीशन है वो ज़्यादा नहीं होनगियां, तो इस बारी जो अप्रैल है वो उस तरीके के नाल ही टैंपरेचर ज़्यादा रहे, लेकिन जीडिया हीट वेव कंडीशन है वो घट रहनगियां। सर, जो स्क्रीन के उत्ते मैप है ये किस तरह जो कलर दिखा रहे हैं ये इंडीकेशन की इस चीज़ का? ये है कि जोड़ी टैंपरेचर की फोरकास्ट है अगले 4 हफ्तों की फोरकास्ट है, इतने देख सकते हैं पहला वीक है 14 तो लैके 20 अप्रैल तक जो टैंपरेचर है वो अपने थोड़े हायर साइड पर रहने, अपने जो 42 डिग्री तक या 40 तो लैके 42 तक जो रहने हैगी है प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उस तो बाद जो टैंपरेचर है वो भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं लग रही हैं, लेकिन जो लास्ट वीक है मई का मतलब मई 1 मई तो लैके 11 मई तक जो तापमान है वो बहुत सारे इलाकों में बढ़ सकते हैं। तुम देख सकते हो कि जो हरियाणा इतने नाल जो इलाके लगते हैं जिते राजस्थान का एरिया ज इधर अपने मध्य प्रदेश का इलाका है इतने जो तापमान है 45 डिग्री तो भी उपर जो जा सकते हैं, जिहदा असर जो अपने पंजाब हरियाणा के भी पै सकता है, तो जो तापमान है
अपने लास्ट वीक अप्रैल तो लैके मई के जो तापमान वो बच सकते हैं। सर लास्ट विच की प्रकोशन इस बार की रखने चाहिए क्योंकि गर्मी जिस तरह लगातार बढ़ रही है? जिस तरह के असं देख सकते कि जो तापमान पिछले बढ़े हुए थे, जो तापमान मेन जो राइज करते हैं वो एक तो लैके चार बजे तक जो तापमान वो पीकते रहते हैं, तो उस टाइम पर जो आम जनता जो अगर बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं तो उन्होंने मतलब अगर ज़्यादा जरूरी नहीं तो इनडोर रह सकते हैं, और नाल ही अगर बाहर जाना हों तो खास करके अपने जिदा अमरेला है या सिर ढक के बाहर निकलन ताकि जो गर्मी का असर है वो घट रहे, तो पानी भी पीते रहन, और बाद जिदा अज तक जी अपनी रवी की क्रॉप की हारवेस्टिंग चल रही है उसके विच भी किसानों में भी हिदायत दी जाती है कि जी अपने जो तो बाहर खेतों में काम करते अपना सिर ढक के रखन, और नाल ही जिस तरह अगले दिनों के बारिश भी होने वाली है तो किसानों भी एडवाइजरी इशू की कि वो अज कटाई कर सकते हैं, लेकिन जी कटी हुई फसल है उन्हें अपनी सुरक्षित जगह पर रखन, तो अगले दो दिन तक जगह अपनी 18-19 तरीक न जी आउटडोर एक्टिविटीज़ या फार्मिंग एक्टिविटी है उन्होंने थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, उस तो बाद जी फार्मिंग एक्टिविटी उन्होंने जारी किया जा सकता। तो किसानों लिए एक स्पैशल एडवाइजर क्योंकि अगले दो दिन जो बारिश पैन वाली है, बारिश नाल जी हारवेस्टिंग कर रहे हैं या फिर जिस तरह दस्या भी जो भी प्रोसीजर है उन्होंने सही टाइम रेंदे ही काम किया जाए। सर आखिर दे विच सवाल, बारिश कितनी हो सकती है ते जिस तरह पंजाब दे विच पिछले कुछ दिन पहले एक तूफान आया सीगा, क्या उसका भी कुछ उसका कुछ फिर तो कोई इंसीडेंट तो नहीं हो सकता? हाँ, जिस तरह के असी जी फोरकास्ट दी हुई 18-19 तरीक की, उस है कि जोड़ा अपनी विंड स्पीड है वह ज़्यादा चल सकती 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो तो ज़्यादा जी विंड स्पीड चल सकती है, कुछ एक जगह पर जी विंड है वो ज़्यादा रहेगी, खास करके जोड़ा अपने साउथ पंजाब का इलाका उत्थे जी है विंड तेज़ चलन की प्रोबेबिलिटी है। तो साडे नाल डायरेक्टर ऑफ वैदर फोरकास्ट मनमोहन सिंह जी मौजूद, जिन्होंने एडवाइजरी भी दस्या भी किस तरह हुण अगले दो दिन बारिश पाऊगी तो जिहड़ी हीट वेव आ उह जून अप्रैल मई जून दे विच किस तरह बदलगियां, तो प्रकोशन भी दस्सिया ने भी जिहड़े लोग ने उस इस गर्मी जिहड़ी लू जिहनूं कहिंदे आ उस दे उत्ते अपने प्रकोशनस रखन। चंडीगढ़ तों अभिषेक मैन दी रिपोर्ट, पंजाब तक।